दोस्तों अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे। शॉर्ट वीडियो अपलोड क्यों कर रहे हैं सबसे ज़्यादा लोग कि शॉर्ट वीडियो से और आपका कोई भी शॉर्ट वीडियो आपका वायरल हो जाता है और आपका 10 मिलियन व्यूज पूरा हो जाता है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जब आपका शॉर्ट वीडियो से आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आप उस पर अपने लॉन्ग वीडियो भी अपलोड करके आप उससे पैसा कमा सकते हैं। वैसे में शॉर्ट वीडियो की मोनेटाइजेशन भी इनेबल हो जाएगा क्योंकि देखिए शॉर्ट वीडियो पे भी ऐड आएगा और शॉर्ट वीडियो से आपको अर्निंग होगा। वो आपको 2023 में इसका अपडेट आ जाएगा, उससे आपको अर्निंग भी होने वाला है शॉर्ट वीडियो से। इसलिए सभी लोग शॉर्ट वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने चैनल पे। तो दोस्तों अगर आप भी अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा, आपको कोई वीडियो नहीं बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा, आप कोई वीडियो नहीं बना पा रहे, तो आपको दोस्तों मैं आपको एक आसान तरीका बताना रहा हूँ। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना, कोई भी फ़ोन हो आपके पास, बस आपको क्या करना है उससे एडिटिंग करके आपको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देना है। उस शॉर्ट वीडियो को आपको अपलोड कर देना है। अपलोड कैसे करना है, किस तरह से उस वीडियो को एडिटिंग करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है, आपको वहाँ से वीडियो को कॉपी करना है और यूट्यूब पे अपलोड कर देना है। उसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा एडिटिंग करना है, बस आपको वो एडिटिंग कर लेना है कि आपके आगे आपके वीडियोस में आपके चैनल पे कोई भी इफेक्ट न पड़े। सिर्फ आपको थोड़ा बहुत उसमें अपना वैल्यू ऐड कर देना है कि हाँ किसी को जब भी आपका वीडियो यूट्यूब देखे तो उसको लगे कि आपने अपना वैल्यू इसमें ऐड किया है। आपको इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना रहेगा। आप एक दिन में 2 या 3 शॉर्ट वीडियो डेली अपलोड करते हैं, एक टाइमिंग आपको फिक्स करने रहा है। अगर सुबह आप 6 बजे करते हैं या दोपहर में 2 बजे, तो आपको टाइमिंग फिक्स करने रहा और डेली उसी टाइम पे आपको वीडियो डालते रहना है। आपके शॉर्ट वीडियो पर व्यूज आए या ना, बस उसी टाइम पे आपको वीडियो डालते रहना है, आपका शॉर्ट वीडियो वायरल भी हो जाएगा। तो दोस्तों आगे मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ किस तरह से आपको वीडियो कहाँ से लेना है और उसको किस तरह से एडिटिंग करना है। सब कुछ मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन में करके दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, पूरा लास्ट तक देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसा वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सके। तो चलिए दोस्तों अपने मोबाइल के स्क्रीन पे करके आप लोगों को दिखा देता है और आप लोग इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिए क्योंकि आप थोड़ा भी स्किप करेंगे तो आप बहुत सारे इसमें मिस कर सकते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद दोस्तों आप इस तरह का वीडियो एडिट करके आप अपने चैनल पे अपलोड कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको करना है कि इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना। तो हम यहाँ पे इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं। इंस्टाग्राम ओपन करने दोस्तों आपको यहाँ पे रील्स पे क्लिक कर देना है। जैसे रील्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी वीडियो आपको यहाँ पे पसंद आता है उस वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे जो भी वीडियो आपको पसंद आए उस वीडियो को आप चाहे तो यहाँ पे डाउनलोड करके आप उसको क्या करना है, इस यहाँ से आपको कॉपी करना है, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देना है। तो इसको डाउनलोड करने दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है, इसका लिंक जो रहेगा उसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने में दोस्तों आपको करना है कि आपको किस तरह से इसको डाउनलोड करना है, उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन को आपको जाके डाउनलोड कर लेना। आपको गूगल में सर्च करेंगे, यहाँ पे स्नैपट्यूब, तो गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएगा गूगल स्नैपसेट स्नैपट्यूब। आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना स्नैपट्यूब। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले तो ईजिली आप कोई भी इंस्टाग्राम का रील आप डाउनलोड कर सकते बहुत ही आसानी से। तो ये वाला एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी जा सकते हैं। और टेलीग्राम पे जाने के बाद इस ऐप को आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने में जैसे वहाँ से आप लिंक कॉपी करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से लिंक दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिख जाएगा। वहाँ से कॉपी करेंगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिख जाएगा आपको डाउनलोड करने का। तो इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इजीली आप जो भी वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं उसको आप बहुत आसानी से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टाग्राम का जो भी वीडियो यहाँ पर शो कर देगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड पर, और डाउनलोड पर आपको क्वालिटी यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो का जो कितना MB का है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद यहाँ पर नॉट नाउ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये वीडियो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखते कुछ ऐड आता है तो आपको ऐड आपको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे अभी वीडियो जो डाउनलोड हो रहा है तो उसे डाउनलोड करने हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों उसमें किस तरह से एडिटिंग करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ से ऐड को कट कर देता हूँ। कट करने में दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि वो वीडियो डाउनलोड हुआ है कि नहीं। तो आप लोग बोलेंगे डायरेक्ट वीडियो नहीं दिखाया हमको। तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड के ऑप्शन में आएंगे। डाउनलोड के ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों हम डाउनलोड किए, यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है और इसको हम यहाँ पे आपको करना है कि इसको थोड़ा सा एडिटिंग करना है इसमें। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है। पहले इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों
आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको इसको कैमरा वाला ऑप्शन पे आपको आ जाना है। अब कैमरा वाला ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों कुछ भी आपको अपना एक वीडियो आपको एडिट करना है, तो आपको वीडियो क्या करना है, अपना एक वीडियो शूट कर लेना है। और वीडियो शूट करने में दोस्तों आपको करना क्या है, उस वीडियो को आपको यहाँ से जितना सेकंड का वीडियो रहेगा शॉर्ट वीडियो, उसका क्या करना है, उतना ही सेकंड का आपको एक वीडियो उसका, मतलब जैसे आप बहुत सारे देखते हैं वीडियो पे जो दूसरे का वीडियो देख कर रिएक्शन देते हैं, तो आपको सेम उसी तरह से रिएक्शन देना है। चाहे अपना सिर्फ आपको अपना फेस उसमें दिखाना है बस, आपको और भी कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ आपको फेस उस वीडियो में दिखाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से इस वीडियो को भी इस तरह से आपको क्या करना है, शूट कर लेना है। शूट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको काइनमास्टर को ओपन कर लें। तो हम यहाँ पर काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अगर आपके पास काइनमास्टर नहीं है तो ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं। और काइनमास्टर ओपन करने में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लस वाला एक में क्लिक करना है और ये वाला साइज आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, जो वीडियो हमने वहाँ से डाउनलोड किया तो यहाँ पे देख लेंगे स्नैपट्यूब में गया होगा, तो यहाँ पे जाएंगे और उस वीडियो को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी वीडियो रहेगा तो हम इस वो वीडियो को हम यहाँ पे देख लेंगे कि वो कौन सा वीडियो था, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों उस वीडियो को हम यहाँ पे ऐड करके आपको हम दिखा देते हैं, ये वाला वीडियो था, तो इसको हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे, फिर टिक पे क्लिक कर देंगे। टिक पे क्लिक करना दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, इस वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है। आपको जो भी वीडियो आपने शूट किया है उस वीडियो को आपको लेयर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करके आपको कैमरा वाला ऑप्शन में आ जाना है। कैमरा वाला ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों आपको उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना, तो हमने यहाँ पर कोई दूसरा वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड किया था, तो हम उस वीडियो को आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। समझ लीजिए ये वाला वीडियो है, तो इसको हम इस तरह से ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे जो भी कुछ भी मैंने यहाँ पे, तो इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से इतना इसको क्रॉप कर लें, यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे और साइड में इस तरह से मैं इस वीडियो को क्रॉप कर लेता हूँ। देख सकते हैं आपको यहाँ पर अपने वीडियो को फ्रंट कैमरा से आपको शूट कर लेना है, और उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह से करना है। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए इसलिए इस तरह से बता रहा हूँ, और यहाँ पर टिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना यहाँ पे जो वीडियो रहेगा वो आपको कहीं भी एक जगह ऊपर यहाँ साइड में कहीं पे भी एक जगह आपको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं इतना ज़्यादा आपको बड़ा नहीं करना है, और आपको इस तरह से थोड़ा सा छोटा ही आपको करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, और यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना है। टिक पे क्लिक कर देना, उस पर दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह से आपको अपने जितने सेकेंड का वीडियो रहेगा उतना सेकेंड आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने वीडियो को यहाँ से कट कर लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। कट करने में दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आपका वीडियो रहेगा तो आपको यहाँ पे इस तरह से शो करेगा, तो आप इस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना। तो एक्सपोर्ट जब भी आप वीडियो एक्सपोर्ट करें, तो अगर आपके मोबाइल में आपको यहाँ पर 4K का ऑप्शन आ रहा है तो आपको 4K में भी आप एक्सपोर्ट करना है, और नहीं आ रहा तो आपको यहाँ पर फुल एचडी पे क्लिक करके आपको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लिक पे कर लेते हैं, आपको यहाँ पे फुल एचडी में ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा, वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इस वीडियो को अपने यूट्यूब का जो शॉर्ट चैनल आपने बनाया है उस शॉर्ट चैनल पर आपको अपलोड कर देना है। तो उसको कैसे अपलोड करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या, आपको अपना यूट्यूब ओपन कर लेना है, तभी हम यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ से अपने YouTube ओपन कर लेना। तो हम यहाँ पे YouTube ओपन कर लेते हैं। YouTube ओपन करने में दोस्तों आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे, इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपको यहाँ देख क्रिएट शॉर्ट लिखा है, आपको क्या करना है अपलोड वीडियो पे क्लिक करना है। जैसे अपलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो भी वीडियो आपने एडिट किया है उस वीडियो को आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, अगर आप फिल्टर करना चाहते हो तो आप फिल्टर वाले पर क्लिक करके यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे फिल्टर पर क्लिक, यहाँ पे बहुत सारा आपको फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ से फिल्टर करके आपको इसको डाउन कर देना है, और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन टाइटल डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप चाहे पे टाइटल डाल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही इसको अपलोड कर लेना है, यहाँ से अपलोड कर देना। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आपको इसको क्लिक करके रखना है, नीचे आपको यहाँ पे इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से अपलोड शॉर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे अपलोड शॉर्ट पर क्लिक कर देंगे तो शॉर्ट यहाँ पर अपलोड होने लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इस जिस कैटेगरी का आपका शॉर्ट रहेगा, जिस टाइप का शॉर्ट रहेगा, उस टाइप का आपको क्या करना है, उसमें टाइटल डाल देना। तो हम यहाँ पे अपने YT स्टूडियो में आ जाते हैं। YT स्टूडियो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे क्लिक करने तो हम क्या शॉर्ट वाला ऑप्शन पे आ जाते हैं, शॉर्ट्स पे आ जाएंगे। शॉर्ट्स पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो शॉर्ट्स हमने आप यहाँ अपलोड कराए, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है,
क्लिक करें दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लिक करके पेंसिल वाला ऑप्शन पे यहाँ पे आपको वीडियो को टाइट जो भी टाइटल रहेगा वो पहले आपको स्टार्टिंग में लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करके हैच लगाना है और हैच शॉर्ट्स आपको यहाँ पे लिख देना है। इंग्लिश में आपको इस तरह से शॉर्ट्स लिख देना है, शॉर्ट्स यहाँ पे लिख देंगे शॉर्ट। देखिए जैसे हम यहाँ पे हैच लगाते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे शॉर्ट्स, यहाँ पे फर्स्ट में शॉर्ट इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वाइटी शॉर्ट्स, वाइटी यहाँ पे आगे हच लगा देंगे यहाँ पे इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे सर्च करेंगे वाइटी शॉर्ट्स, यहाँ पे लिख देंगे पहले इस तरह से शॉर्ट। और यहाँ पे कॉमा देंगे, उसके बाद दोस्तों हम फिर से यहाँ पे हैशटैग लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूट्यूब शॉर्ट्स। इस तरह से आपको यहाँ पे तीन कीवर्ड, आपको यहाँ पे दो तीन कीवर्ड आपको इस तरह से हैशटैग लगा देना है और वही आपको क्या करना है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसको ही यहाँ से कॉपी कर लेना है। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, उसको यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने में दोस्तों आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आके उसी को आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने में दोस्तों आपको यहीं इतना ही आपको यहाँ पे टैग डालना है, आपको आपका जिस भी टाइप का वीडियो रहेगा उस टाइप को आपको यहाँ पे टैग डाल देना। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे टैग भी लिख देना है इस तरह से। पहले आपको लिख देना है शॉर्ट्स वीडियो और यहाँ पे लिख देंगे फिर यूट्यूब शॉर्ट, यूट्यूब शॉर्ट्स। और इस तरह से आपको दो चार आपको टैग लगाना, ज़्यादा टैग भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टैग से ज़्यादा जल्दी मतलब टैग शॉर्ट वीडियो वायरल करने के टैग का कोई महत्व ज़्यादा नहीं रहता है, आपके वीडियो को टाइटल का महत्व रहता है। आप वीडियो का टाइटल क्या रखते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्व, उससे ज़्यादा आपका वीडियो वायरल हो जाता है। और स्टार्टिंग में कोई भी शॉर्ट वीडियो आपका वायरल हो जाएगा, कोई भी आप जितने भी मतलब आप शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो कोई भी एक वीडियो अगर आपको वायरल हो जाता है तो आपका चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा आपका। अगर आपके वीडियो पर 10 मिलियन व्यूज आ जाता है तो आपका चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप यहाँ पर अपने टैग को लगा लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां से बैक आ जाना है और यहां पे आपको क्या करना है सेव पे क्लिक कर देना है। जिस भी टाइम पे आपको पब्लिश करना है तो उससे आपको यहां पे टाइम सेलेक्ट कर लेना है और यहां पे क्लिक करके आपको यहां पे क्लिक करके आपको डेट और यहां पे ओके पे क्लिक करके आपको यहां पे टाइम जो भी टाइम आपको यहाँ पर देना है उस टाइम पर क्लिक करके इस तरह से ओके कर देना है और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना। इस तरह से करके आपको अपने चैनल पर 5 वीडियो एक्स्ट्रा एडिट करके अपलोड करके रखना है कि किसी दिन कारण कोई कारण हो गया आपको वहाँ पे वीडियो नहीं बना पा रहे तो जो वीडियो आपको पहले से अपलोड रहेगा तो उसको उसी टाइम पे पब्लिश कर दीजिएगा। तो इस तरह से करेंगे तो आपका शॉर्ट वीडियो वायरल भी हो जाएगा और आपका चैनल का मोनेटाइजेशन भी जल्दी से जल्दी इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी ऐसे वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप देख सकें।